सगळे मराठी लोक आहेत, बरोबर आहे. बाकीची काय वेगळ्या राज्यातली, या इंडस्ट्रीमध्ये आलो होतो त्या दिवशीच मी ठरवलं होतं की कुठली पण इंडस्ट्री एका दिवसामध्ये तर सक्सेस मिळणार नाही मला, बरोबर आहे. त्यामुळं मी बोललेलो की कमीत कमी आपण एक 5 पिक्चर काढूया, 5 फिल्म बनवूया, तोपर्यंत आपल्याला अनुभव यायला सुरुवात होईल. मग कदाचित पहिला पिक्चर लॉस जाईल, दुसरा जाईल, तिसरा जाईल, चौथा तर प्रॉफिटमध्ये येणार 100%. मग ह्या हिशोबाने आम्ही सुरुवात केली. त्यावेळेला आमच्या घरातली लोकं पण होती आणि काही जवळचे मित्रमंडळी होती, म्हणजे माझे पार्टनर्स आहेत रिअल इस्टेटमधले वंजारी सर, तर त्यांना फिल्म इंडस्ट्रीचा फार अनुभव होता आणि त्यांनी ज्यावेळेला मला विचारलं की काय झालं हे सगळं, तर मी त्यांना सांगितलं थोडाफार लॉस झाला म्हणले, पण चाललं व्यवस्थित, काय अडचण नाही, मूवी चांगली झाली होती. तर ते बोलले की आता आपण काय करायला नको, रिअल इस्टेटमध्येच आपण सगळं लक्ष टाकूया. मी म्हटलं सर तसं नाही विषय, मी या इंडस्ट्रीमध्ये जर आलो असेल तर मी याच्यामध्ये काही विजन्स बघितलेले आहेत आणि मी स्वतः एक विजनरी माणूस आहे. दूरदृष्टी मला, म्हणजे जसं जनरल लोकांना दूरदृष्टी असती तशी मला पण दूरदृष्टी खूपच आहे. कारण मी कुठल्याही आत्तापर्यंत लाईफमध्ये कुठल्या पण गोष्टी केल्यात ना, त्या जसं विचार केला आहे किंवा जशा माझ्या लाईफमध्ये अशा काही गोष्टी मी म्हणजे तुम्हाला सांगू इच्छितो, मला खूप आनंद होईल या सगळ्या गोष्टीचा सांगायचा. हे बिल्ड करण्यामागचं एकच कारण आहे की मी माझी स्वप्नं जी मला काय हवी आहेत ती सगळी स्वप्नं मी माझी लिहून ठेवलेली आहेत. दुसरी गोष्ट, त्याचे सगळे पोस्टर्स माझ्या बेडरूममध्ये लावलेले आहेत. मला जी काय गाडी घ्यायची, मला पिक्चर काढायचे आहेत, मला घर बांधायचं आहे, काय पण असेल तर ते सगळं लिहून ठेवलेलं आहे, बरोबर आहे. आणि अजून पण बरंचसं तुम्ही जर बघितलं तर तसंच ते तुम्हाला समोर दिसत. ज्यावेळेला इन्कम 2000-5000 रुपये होता त्यावेळेला स्वप्न होतं माझं की ये फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए बोला और इन्होंने बताया और पिंग पोंग जी जीवन सर से बात की, उन्होंने बोला गो अहेड. हमने सिर्फ शूटिंग चालू होनी थी, शायद मेरे ख्याल से शायद रिकॉर्ड होगा, कोई भी सीरीज 14 दिन में कंप्लीट नहीं हुई है, वेब सीरीज आई थिंक सो, और जो भी है गोज टू विशाखा एंड रणवीर क्रेट. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. ने पहले बात तो कंसीडर करना हिडन को, यही बहुत बड़ी बात है. इसका अप्रूवल बहुत मायने रखता है. सेंटी यानी संतोष जुवेकर, ये बंदा मुझे इस सीरीज में चाहिए ही था. कैसे भी मैंने विषय को कहा था कि सेंटी मुझे इस सीरीज में चाहिए क्योंकि वो परफेक्ट है. सेंटी ने विषय को बोला मैंने ये टाइप करो, मैंने बोला तू कर सकता है, लेकिन ये यूके में था, इसका शूट चल रहा था और यूके में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो गया, ये वहाँ पर स्टक था. मुझे नहीं पता ये कैसे आया है यहाँ पर और ऑफिस में आया, उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री. जो भी हुआ है उसके बाद तो ये क्लास अपार्ट बंदा है. इसका काम, टैलेंट, जीवन जा, अब जितने बार पिंग पोंग नाम लूंगा समझ जाना जीवन जाधव ही वो ऐसा चल रहा है. और सेकंडली संदीप जी, सोनू जी, खास करके मैं शिव इमरान, इन लोग की जो प्रोडक्शन टीम थी, हर एक चीज में ऊपर नीचे ग्राफ्स चलते हैं, लेकिन 14 दिन में जो हमने पुल आउट किया है, आज शाहनवाज नहीं है अंसारी, वो बंदे का बहुत बड़ा हाथ है. मेजर डब मेरा बचाने वाला बंदा आज है ही नहीं, शायद इधर आया नहीं है. कमल नहीं है, कमल दिल्ली में है. मेरा साउंड प्रशांत है, जो आप मोशन पिक्चर मुझे म्यूजिक देकर वो क्रेडिट उसको जाता है. मनवीर, मेरी पूरी कास्ट, जितनी भी कास्ट है, मतलब मैं सबको थैंकफुल हूँ कि ये मेरा अकेले का है ही नहीं, क्योंकि 14 दिन में मेरी डायरेक्शन टीम में बहुत सारे आज है ही नहीं, मतलब ये ओवरऑल जो टीम ने पुल आउट की एक टीम वर्क है. दक्ष, मनवीर, सीजे, अब पता नहीं 43 कैरेक्टर्स है किस किस के नाम लूंगा मैं. सीधिका, कॉस्ट्यूम्स भी किए हैं, एक्ट भी किया है, एक्टिंग के लिए वर्कशॉप नेक्स्ट टाइम 1 महीने का है अभी से फिर भी अच्छा है. थैंक यू सो मच. एंड जीवन सर, स्पेशल थैंक्स टू विशाल एंड महेश, बिकॉज अगर उन लोग नहीं होते तो सवाल ही नहीं आता हम लोग ये कर पाते. देन शिव, इमरान एंड होल कास्ट एंड क्रू, थैंक यू सो मच. दैट्स व्हाट. ताजुद्दीन सर की तरफ से, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टीम पिंग पोंग, एंटायर टीम ऑफ पिंग पोंग एंड रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मिस्टर जीवन जाधव सर, जिन्होंने ये हिडन में
मुझे एक किरदार प्ले करने का एक अपॉर्चुनिटी दी. थैंक यू वेरी मच चेतन डी के सर, ब्रदर फॉर अनदर मदर, जैसे मैंने कहा कि ही इज़ ऑलवेज सपोर्टिव फॉर मी. थैंक यू वेरी मच विशाल सर फॉर सिलेक्टिंग मी फॉर कैरेक्टर ऑफ गजरे. आज तक कुछ कैरेक्टर मैंने प्ले किए हैं जिसमें से ये बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर मुझे दिया गया, इंस्पेक्टर गजरे, जो एक फ्लेवर का काम कर रहे हैं. ऐसे सर ने बोला, थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ा. और थैंक यू वेरी मच विशाखा मैम कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी आपने इसमें प्ले करने की. एक आज का इवेंट है और एक्चुअली बड़ा सच दच के हमें सब कुछ नया है. ये वेन्यू डिसाइड करने आया था तभी सोचा था कि कुछ अच्छा पहन के आऊँगा. जिंदगी का सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो एक इमोशन है यार कि पहली बार स्टेज पे जा रहा हूँ. ये तैयार होने के बाद फोटोज ले घर वालों को भेज दी, मम्मी पापा को, यार मैं सच दच के जा रहा हूँ स्टेज पे. तो दिस इज़ व्हाट. एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. आपके आशीर्वाद से ऐसे ही काम करता रहूँगा, बहुत ऑनेस्टली काम करता रहूँगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू. सो ते झाल्यानंतर आपण गप्पा मारूच. जय जय महाराष्ट्र. थैंक यू. मेरी दुआ है कि पिंग पॉन्ग भी ऐसे जीते, ऊपर चढ़ाइयों पर जाए और ये प्रोजेक्ट अच्छा करे ताकि आगे और भी रास्ते खुले. और बहुत अच्छा लगा सारी टीम के साथ काम करके. भाईजान संतोष भाई, थैंक यू सो मच, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. मनवीर, सीजे, टीम बहुत अच्छी थी. बाकी भी जितने भी सीनियर कलाकार हैं, सर रोहित भाई, वेरी गुड. और बस हो गया है, ठीक है, अपना ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. आता ओटीटी होणार स्ट्रॉंग कारण आपल्या भेटीला आलेलं आहे पिंग पॉंग. दोन अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. एक तर मी गेली 20 वर्ष मराठी इंडस्ट्रीमध्ये काम करतोय, साधारण 40 वर माझे मराठी सिनेमे झालेले आहेत, परंतु माझं हिंदीतलं हे पहिलं काम आहे हिडन. त्यामुळे मी लहान मुलासारखा एक्साइटेड आहे. मी सकाळी निघताना चेतनला फोन केला, हां चेतन ट्रेलरमध्ये मी आहे ना. कारण कुठलंही पहिलं वहिलं जे असतं, पहिली गाडी असते, पहिलं जे काही पहिलं प्रेम असतं, तसं माझ्यासाठी हे पहिलं पहिली वेबसिरीज आहे हिंदी. ह्याच्यामध्ये माझ्या कॅरेक्टरचं नाव हलका आहे, कदाचित डिरेक्टरनी माझं पण त्यांनी म्हणलं डबिंगच्या वेळेस भेटल्यानंतर म्हणे नाही आपण भारी काम केलंय. काम हलका जरी असलं तरी काम भारी आहे. तर थँक्यू. आणि संतोष जीवेकरण मी गेली 18-20 वर्ष मित्र आहोत आणि तोही थिएटर करून आलेला आहे. मी सुद्धा थिएटर करतो, गेली अनेक वर्ष आम्ही काम करतोय, पण आम्ही मी आणि संतनी एकत्र काम या वेबसिरीजमध्ये पहिल्यांदा केलेलं आहे. आणि पहिल्यांदा मी कानाखाली खाल्लेली आहे संतोषची, म्हणजे वेबसिरीजमध्ये. सो थँक्यू मला ही संधी दिली. जीवन सर तुम्ही सुद्धा ग्रामीण भागातून पुढे आलेले आहात आणि मी सुद्धा ग्रामीण भागातून, माझं गाव माजलगाव आहे जिथे आधी लहानपणी एसटीसुद्धा यायची नाही माझ्या गावात, तर मी हळूहळू शिकत शिकत नाटक शिकत इथे आलेलो आहे. त्याच्यामुळे मला माहिती आहे की ग्रामीण भागातून जो माणूस वर येतो त्याचे पाय जमिनीवर असतात आणि ते मातीचे असतात. सो मला या ठिकाणी बोलवलं, थँक्यू. थँक्यू विशाल. आणि चेतन माझा मित्र आहे आणि त्याची माझी ओळख झाली आणि त्याच्यामुळे मला संधी मिळाली. आणि विशू, थँक्यू विशू, ती माझं काम बघणार आहे असं म्हणतीये, बघूया आता. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. विशाल सावंत हमारे डायरेक्टर. विशाखा जी थँक्यू वेरी मच. और हमारे एक और विशाल भाई हैं जिनके बारे में भी कन्फ्यूजन हो गया था थोड़ी देर पहले. विशाल सलेचा हमारे प्रोड्यूसर है, वो अभी है नहीं यहाँ, शायद उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है. और महेश भाई यहाँ पर है, थैंक यू महेश भाई. और थैंक यू संतोष भाई, थैंक यू दक्ष, थैंक यू सीजे, संदीप भाई. लाइफ में भी ऐसा लगता है जैसे हमारा प्रोजेक्ट है कि हिडन है कुछ. लाइफ में बहुत कुछ हिडन रहता है जब तक आप लोगों से मिलते नहीं हो. ऐसा कुछ हिडन था, मैं इस टीम से मिला हूँ और मुझे मिलकर लाइक इतना एक्साइटमेंट हुआ है. अभी भी है एक्साइटमेंट पूरा, क्योंकि अभी ट्रेलर बाकी है और सीरीज तो बाकी है ही. और मैं क्या कहूं हिडन के बारे में. अभी बस कुछ ही मिनट बाद हम रिवील करने वाले हैं कि हिडन में क्या क्या छुपा है. एंड विशाल हमारे डायरेक्टर ने मेरे कैरेक्टर संदीप रायकर के लिए दो शब्द दिए हैं, फियरलेस एंड रूथलेस. तो आप लोग उसके विटनेस होने वाले हो थोड़ी देर में और मुझे उम्मीद है आप सबका प्यार मिलेगा. थैंक यू सो मच. काका
I had no idea what I was going to do, but when I was introduced to the director, Vishal, within few minutes I knew that he is very clear in his thoughts about everything, about the characters, about the story, about the script, and he has in-depth knowledge about the system, how the system works, because his story is about the system. So it was so much fun shooting all of that, and I worked with the experienced actors and I learned their methods. There was so much to learn. And I would like to thank Jeevan sir. When we were launching the poster, he said something that really touched my heart. He said that he has the vision to give chance to people who are good, but they're not getting that right chance. So thank you so much for giving the chance to all of us, and we will not disappoint you. This is an honest effort to entertain the audience. We have worked really hard in 14, 15 days, and we shot for this, but it was fun. It was not, we were not stressed out, we were just cracking jokes and we were shooting, having fun, learning and working. So it was a lot of fun. I feel proud looking at the poster, and I'm so excited about the trailer. I have seen the trailer once, but I can see it hundreds of times. Thank you so much, everybody. मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो आप जब देखेंगे तब महसूस करेंगे. थैंक यू जीवन सर, थैंक यू टीम विलियन डायरेक्टर सम, थैंक यू. पण पिंग पॉंग एंटरटेनमेंटचे मी खरंच खूप आभारी आहे त्यांची आणि हिडन टीमची. टीमबद्दल काय बोलायचं, खरं तर सगळेच खूप छान आहेत. आम्ही खूप एन्जॉय केलं शूटिंगला आणि काम इतकं छान झालं. सो थँक्यू सो मच पिंग पॉंग एंटरटेनमेंट आणि हिडन टीम, आणि स्पेशल थँक्स टू चेतन, बिकॉज ऑफ त्याच्यामुळे मी सगळ्यांशी कनेक्ट झाले. सो थँक्स टू एव्हरी वन. थँक्यू. वेल, तही आहे आपली सर्व स्टारकास्ट. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवला पाहिजे आपल्या हिडन टीम मेंबर्ससाठी. वी वॉन सुपर स्टारकास्ट. सगळेजण जसं स्टेजवर आले तशी रोषणाई आलेली आहे आणि खूपच अमेझिंग पॉझिटिव्ह एनर्जी आपल्यापुढे दिसत आहे. आपली सर्व स्टारकास्ट आपल्या समोर आहे हिडन. वन्स अगेन very very good afternoon to all, the cordial invite to all, and warmly welcome all of you here for the celebration and to the trailer launch of Hidden, a Rising Sun Holdings production, Bazin B Films and Entertainment and RVM Films. Hidden ab jo bhi hoga hidden hoga. ओके अभी हो गया बॉक्स वगैरह उधर ले लो. सर मी स्टेट करने के लिए इसके बाद में हेलो
न सुर की होगी न सितार की होगी, भले चांद पे पहुंच जाए अमेरिका, लेकिन वहां भी ओटीटी के प्लेटफॉर्म में गूंज परी पौन की होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अपन पुढे वळूयात, त्यानंतर मी बोलू इच्छिते मिनिल सपकाळ सरांना स्टेजवर। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिलिंद सपकाळ सर को प्लीज स्टेज पे आइए। ओके सर के बारे में बताएं तो बातें कम ही हैं। हु इज डायरेक्टर ऑफ बिम्बा। उपस्थित सभी मीडिया से जितने भी लोग आए हैं, हिडन की टीम और यहाँ पे हमारे अन्य कोई वेब सीरीज आ रही है वो भी लोग उपस्थित है, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ यहाँ पे उपस्थित रहने के लिए। पिंग पोंग के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे सर ने बोला कि मेहनत, तो जब पिछले लॉकडाउन में मार्च में मेरे को एक फोन आता है सर का, सर के पास मैं चार साल से मैं खुद इनके पीछे पड़ता था, सर कोई शॉर्ट फिल्म बनाते हैं कुछ मुझे रोल दे दो, कुछ हिंदी फिल्म बनाते हैं, कोई मराठी में स्टार्ट करते हैं। चार साल सर का मैंने पीछा छोड़ा नहीं बिल्कुल। दूसरी बात, फिर मार्च में मुझे मार्च एंडिंग में सर का फोन आया, चेतन मैं बोला मैं इनको प्यार से बापू कहता हूँ, तो मैं बोला बोलो बाबू। हाँ तो मैंने कुछ ओटीटी अपने को शुरू करना है तो कभी आ सकते हैं, तो मैंने सर मैं आप बताए मैं आ जाता हूँ। तो उस टाइम लॉकडाउन था पूरा, और जैसे ही सर का फोन आया उसी टाइम दो घंटे के बाद परमिशन नहीं मिल रही थी, मैं बॉम्बे से बाइक पर सतारा गया था, तो वो सब पूरा जर्नी गया, फिर उधर से मैंने स्टार्ट किया सर के साथ काम करना। तो दिन रात काम करते हैं सर, मतलब सर के पास इतने बड़े हैं, उनके बड़ी बिजनेस है, लेकिन खुद तीन चार बजे तक जगते इस पे, इतना उन्होंने जितना मेहनत किया है किसी ने मेहनत नहीं किया पिंग पोंग के ऊपर। सब लोग कर रहे हैं, उनको सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के सब लोग उतना ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सबसे हार्ड वर्क और इतना एनर्जी मैंने लाइफ में ऐसा इंसान कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, मतलब इतना एनर्जी मुझे। सभी टीम है यहाँ पे, हमारे डीजे की टीम है, आदित्य है, रोहित है, बाकी और सारे लोग हैं। तीन चार बजे सर के फोन आ गया, अरे ये हुआ क्या, मतलब उनका एनर्जी देख के हमारी अभी काम करने की एनर्जी इतनी बढ़ गई है कि आपको बता नहीं सकते। हमें तीन घंटे नींद में हमारी पूरी नींद हो जाती है, मतलब इतनी मेहनत कर रहे एक साल से, तो वैसा है। दूसरी बात, अभी पिंग पोंग को लेके सर ने जैसे बोला कि ये प्लेटफॉर्म जो सर के पास, बहुत लोग जो मैंने आपको बताया कि मैं चार साल से पीछे बढ़ रहा था, ऐसे बहुत लोग सर के पीछे आते थे। फिर लॉकडाउन में जो कुछ हुआ कि बहुत सारे अपने कलाकार कोई सुसाइड वगैरह, बहुत दुखद ये सब हुआ पिछले साल, तो उस टाइम सर ने सोचा कि बेटा इतने लोगों को प्लेटफॉर्म देना है, बहुत क्रिएटिव लोग हैं जिन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, बहुत आर्टिस्ट है, बहुत टेक्निकल लोग हैं, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने ये सोचा कि बाबा मराठी में जो उन्होंने बताया कि मैंने मिथुन फिल्म किया, तो बनाई फिल्म इतनी अच्छी फिल्म बनाई लेकिन उनको थिएटर नहीं मिले, थिएटर खाली जो बड़े चैनल्स है, अभी किसी का नाम नहीं लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनको थिएटर मिल जाते हैं, लेकिन फिर जो बाकी की फिल्में जो बनाते हैं इतनी मेहनत करते हैं उनको प्लेटफॉर्म, इतनी अच्छी फिल्म बनकर भी उन्हें अच्छा रिलीज नहीं मिलता है, उन लोगों को तो पूछता नहीं है। जैसे सर ने हमारे पिंग पोंग में तो अभी 40 के आसपास कंटेंट अभी ऑलरेडी लाइव है। हमारे ओरिजिनल पिंग पोंग में जो पहले से ही कंटेंट, मतलब एक 21 सितंबर को हमने रिलीज़ किया था चैनल 21 सितंबर 2020 में, तो उसमें हमने चार कंटेंट हमारे ओरिजिनल थे, कुछ 10-15 कंटेंट हमारे
शॉर्ट फिल्म थे और कुछ मूवी के राइट्स लिए थे, ऐसा करके 37 के आसपास हमारे पूरे कंटेंट हुए। तो अभी हमारा जो आज का जो कंटेंट आ रहा है तो हिडन है, तो हिडन के साथ हमारे बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं, क्योंकि अभी शूट जो हमारे सब कुछ हुए तो वो 7 के आसपास हमारे शूट हुए, मतलब हिडन तो आज हम रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब 16 जुलाई को हमारा रिलीज़ है, आज ट्रेलर लॉन्च किया। तो हिडन है, रावण इज़ बैक है, फिर बिम्बा करके है, छल दंगल समझून घो ये एक है, अंबुश एक है, और लव स्टोरी का एक कंटेंट है, और एक दो कंटेंट है, ऐसा 7 कंटेंट है, हाँ 7 कंटेंट है। और एक बड़ा मूवी मेरा आ रहा है आने वाले 6 महीने में, मतलब उसका शूट 50% के आसपास हुआ है, बोलोच करके मराठी मूवी है, लेकिन हिंदी में भी डब हो जाएगा। ऐसा है, अभी इतने कंटेंट तो हमने लेके चल रहे हैं, ऐसा ऐसा बहुत सारे हमारे साथ पास कंटेंट रहेंगे। कुछ हम फैशन शो भी कर रहे हैं, पिंग पोंग ओरिजिनल फैशन शो भी कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में फैशन शो हो जाएंगे। बहुत सारे हमारे पास अभी शॉर्ट फिल्म भी आए हैं, तो वो भी शॉर्ट फिल्म रिलीज़ कर, ऐसा ऐसा हर महीने में हम 2 कंटेंट अभी रिलीज़ करने वाले हैं। और अभी पहला इंडिया में पूरा एप्लीकेशन चल रहा था, अभी मेरे कस्टमर जो है तो 90,000 के ऊपर है, अभी लाइव कस्टमर है, मुझे यूज़र्स हैं, और आने वाले मतलब दिन में आने वाले 2 महीने में हमारा 1 मिलियन के आसपास हमारा कंटेंट हो जाए, मतलब यूज़र्स हो जाएंगे। और इंटरनेशनली परसों ही हमें मतलब एप्लीकेशन लाइव हुआ हमारा इंटरनेशनली, 177 कंट्रीज़ में हमारा एप्लीकेशन लाइव हुआ, और अच्छी तरह से मतलब वहीं से भी इंटरनेशनल भी बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। अभी मतलब ये सिर्फ महाराष्ट्र या इंडिया के लिए चैनल नहीं रहा, तो ऑल वर्ल्ड में ये चैनल का अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन प्रेजेंट हुआ है, और बहुत लोग पसंद करते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट हम दे रहे, तो आपका सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छी तरह से हम आगे भी जा सकते हैं। सर, आप डायरेक्टर हैं, थोड़ा सा बताइए कितना सपोर्ट मिला पिंग पोंग से, और किस तरह से वो हेड करने वाले, क्योंकि ट्रेलर हमने आज देख लिया ऑलरेडी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना चैलेंजिंग था आप एज अ डायरेक्टर आपके? पिंग पोंग से अप्रूवल आने के बाद, मतलब पिंग पोंग शायद ऐसा OTT है जिसने हार्डली कम दिनों में हमको अप्रूवल दिया। हम लोग बाकी और जगह पे गए थे, लेकिन पिंग पोंग से काफ़ी फास्ट आया अप्रूवल। हम लोग ने वर्क चालू किया, अभी कास्ट आएगी तो उन लोग अपना अपना रोल बताएंगे। मैं एक बिंग राइटर डायरेक्टर, मैं एक शॉर्ट में बता दूँ कि एक्चुअली ये 3 सीजन की वेब सीरीज़ है। पहले सीजन में कैरेक्टर्स के इंट्रोज है, जितने भी कैरेक्टर्स इसमें है। इसमें मेन चीज़ ये है कि संतोष जुवेकर जो रोल कर रहा है प्रदीप राजे ACP, उसको उसके खबरी का इन्फो आने के बाद कि एक लड़का है जिसने 2017 में अपने दोस्त का मर्डर किया हुआ है और वो अभी उम्र कैद काट रहा है, इसकी सुपारी निकली है। इतने सालों बाद इसकी सुपारी निकली, और राजे हल्का की कोई इन्फॉर्मेशन डक नहीं करता, क्योंकि उन लोग का 10 साल का कुछ एसोसिएशन है, तो वो उसके खबर के ऊपर रिलाय करते हुए ये चीज़ कमिश्नर के पास लेके जाता है और उन लोग इस केस में एंटर करते हैं। उनको ये नहीं पता कि इस केस में एंटर करने के बाद हिडन क्या है, क्योंकि उसके बाद जो इनके ऊपर चीज़ें आना चालू होती हैं, वो लड़के को बचाने के लिए प्रदीप राजे उसको क्राइम ब्रांच की कस्टडी में लेता है। उसके बाद जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स इस क्राइम ब्रांच टीम के साथ होना चालू होते वो इसके लिए अवेयर नहीं होते, तो उसके बाद जो चीज़ें होती है वो हिडन बेसिकली ये। सर, आप बताइए एसोसिएशन के बारे में पिंग पोंग के साथ और नहीं बेसिक। हमने जो प्रोड्यूस भी की तो विशाल भाई ने प्रोजेक्ट लाए हमारे साथ, बोला ऐसा प्रोजेक्ट है और पिंग पोंग चैनल ने अप्रूवल दे दिया है, तो हमारा पार्ट तो सिर्फ वही था, पिंग पोंग ने अप्रूवल दिया, फंड अरेंज किया, और जो भी हुआ ऑन फ्लोर विशाल सर लेके गए, और जो है वो हिडन आपके सामने है। ये फर्स्ट सीजन, इसका सेकंड और थर्ड सीजन और बैलेंस है, और आपका सपोर्ट लगेगा एंड तक। थैंक यू। एज अ प्रोड्यूसर कितना चैलेंजिंग था इस कोविड के टाइम में शूट करना, पूरी टीम को साथ में लेके? नहीं नहीं, उसका हम लोग ने मेक श्योर किया था कि कोविड के जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ मिलता है हम फ्लोर पे जाएंगे। बेसिकली एवरीथिंग फॉल इन टू प्लेसेस, हम लोग ने जो प्लान किया था वो एक्चुअली वैसे होते गया, एग्जीक्यूशन वैसे होते गया, हमने जो डेज रखे थे उसके कम टाइम में हमने इसको रैप किया। मुझे अभी तक पता नहीं इंडिया में कितने
14 दिनों में वेब सीरीज लॉक की हो गया, रैप किया होगा, हमने किया है, बड़ा है, बड़ा है, ये पता नहीं टाइम था, वो बेसिकली 7 एपिसोड्स में किया हमने, और 7 एपिसोड्स में कम से कम 27-30 का ड्यूरेशन मेंटेन करके चलना 7 एपिसोड्स में, और वो 14 डेज में लॉक करना, कास्ट को पूरा क्रेडिट जाता है, मेरे क्रू को पूरा क्रेडिट जाता है। सीरीज एक्चुअली इसके अंदर कितने लेयर्स है कि ये स्क्रिप्ट जब मैंने आर्टिस्टों को भेजी थी तो 4 एपिसोड के बाद सब रुक गए थे कि सर अभी डायरेक्ट शूट पे बात करेंगे, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेयर्स के साथ है। फ्लैशबैक में कुछ मर्डर्स भी है, उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। समय दीक्षित को क्राइम ब्रांच का अपने पास लाना, उस बंदे के पास की चीज़ें और खुलते जाता है, उसके अंदर उसके ऊपर लगा हुआ खून का इल्ज़ाम, जहाँ पे वो रुका है वहाँ पे एक लड़की की मौत, बहुत सारी चीज़ें इस समय दीक्षित के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उसका फेस भी हमने रिवील नहीं किया इसमें। तो वो बंदा क्या है, वो बंदा कितना चैलेंज लेके आता है क्राइम ब्रांच के लिए, जो इनको, इनके क्राइम ब्रांच को, इनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को और इनके फैमिली को वो असर करता है, तो ऐसा इस बंदे में है क्या, ये चीज़ हिडन है, और ये इन लोगों को कितने हद तक कॉस्ट करेगी इस क्राइम ब्रांच को, ये आगे 2-3 सीजन में आपको मालूम पड़ जाएगा। एंड सर आप बताइए, किस तरह का एसोसिएशन रहा है, और जैसे मैंने कहा कि बहुत डिफिकल्ट टाइम में आप लोगों ने शूट किया है, जो शूट हुआ है वो एकदम मिड शूट करना है, इतने लिमिटेड टाइम में विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, और जो गवर्नमेंट नॉर्म्स को भी फॉलो करना है, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, और उसमें काम निकालना है आपको, क्योंकि आपको पता नहीं नेक्स्ट डे शूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और उस फेज़ में पिंग पोंग जीवन जाधव जैसे इंसान के साथ काम करना एज अ प्रोड्यूसर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मेरे और महेश भाई के लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य का ये था, और आज उन्होंने हमें इन्वाइट किया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी, उसके लिए थैंक यू, एंड बहुत ही उनको शुभकामनाएं देता हूं मैं, और विशाल सावंत को स्पेशली बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो आगे बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़िया काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। लास्टली सर आपसे जानना चाहूँगा कि इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, तो क्या लगता है सर किस तरह का कॉम्पिटिशन एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, क्योंकि इतने सारे ऑलरेडी OTT हैं, हॉटस्टार की बात करें, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, क्या है कि हर एक OTT का अलग जॉनर है, राइट, हमारा भी अलग अलग आ जाएगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा फाइनली डिसाइड नहीं हुआ कि ये जॉनर से हम चलेंगे, लेकिन अच्छे कंटेंट डालेंगे। मतलब क्या है कि ओरिजिनल रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब पिंग पोंग में हिडन है तो नेटफ्लिक्स, अमेजोन, हॉटस्टार जितने भी प्लेटफॉर्म है उधर ये चीज़ नहीं है। और अभी जो OTT के लिए मतलब ज़्यादा भी पैसा नहीं है, मतलब लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो उनको एक वेब सीरीज़ में भी, मतलब एक वेब सीरीज़ के लिए भी रिचार्ज सब्सक्राइब किया तो भी उनको मतलब अच्छा होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। और दूसरी चीज़ है कि अच्छे कंटेंट दे देंगे तो मुझे लगता है कि कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे भी कंटेंट अभी मार्केट में ऐसा है कि छोटे छोटे मराठी शॉर्ट फिल्म भी चलते, तो क्यों चलते है कि उनका कुछ ना कुछ अलग सा रहता है वो, राइट। और दूसरी एक बड़ी चीज़ मैं बताना भूल गया, ये दो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेश भाई और विशाल भाई, मतलब भाई जैसे हमारे, मतलब एक दो 4-5 महीने से हमारे ये कंटेंट से दोस्ती हुई है, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब इनका बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट है, और हम मतलब आज मैं सब लोगों के साथ बोलता हूँ, ये हमारे परमानेंट लोग हैं, मतलब कभी इन्होंने कभी भी मुझे, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इन्होंने साइन किया ना तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमने अप्रूवल किया, मतलब इतना, मतलब ये प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से हमें सपोर्ट भी करते हैं, और विशाल भाई ने भी बहुत अच्छी तरह से, मतलब ये वेब सीरीज़, बड़ा वेब सीरीज़ पिंग पोंग के लिए दिया, मतलब आज मुझे एक मतलब महसूस होता है कि आज से पिंग पोंग ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड में जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। पहले बताइए किरदार के बारे में, हमने देखा हिडन में आप लोगों का एकदम दमदार किरदार है, ट्रेलर भी हमने देखा, आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग था इस तरह का किरदार प्ले करना और इस मुश्किल टाइम में जो है शूट करना? हिडन ये वेब सीरीज जो अभी आ रही है 16 जुलाई को, पिंग पोंग, ये नए OTT प्लेटफॉर्म पे, ये जैसे आपने अभी ट्रेलर तो देखा है तो आपको पता ही चला होगा कि ये कहानी ड्रग्स माफिया और जो ड्रग्स की वजह से आज की जो युवा पीढ़ी है उसके ऊपर जो गलत परिणाम हो रहे हैं, उनके ऊपर जो नुकसान हो रहा है उनका, उसके खिलाफ़ जो पुलिस एक टीम है
एक पुलिस की टीम है जो जिसमें मैं हूँ। मेरे कैरेक्टर का नाम है एसीपी प्रदीप राजे। मेरे साथ इंस्पेक्टर वेरी हार्ड वेरी स्ट्रांग इंस्पेक्टर दक्षजीत ये भी हैं। संदीप उसमें एक बहुत अच्छा और बढ़िया कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो हम सब मिलकर इस ड्रग्स कार्टल के खिलाफ लड़ रहे हैं इस हिडन में। अब वो लड़ाई कैसे है, किस तरह से हम लड़ रहे हैं और क्या क्या प्लान बन रहे हैं, किस तरह से हम प्लान को फॉलो कर रहे हैं, ये आपको इस हिडन सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। एसीपी कैरेक्टर आज तक जो मैंने किरदार निभाए हैं, जो वेब सीरीज मैंने करी हैं, जो भी फिल्में मैंने करी हैं, ज़्यादातर मैंने काम मराठी में किया हुआ है। उसके बाद कुछ काम कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ, अभी तक कर रहा हूँ हिंदी में। तो उसमें एक मेरी हिंदी वेब सीरीज़ है हिडन, ये आज तक जो मैंने रोल किया उससे काफ़ी हटके है। शायद जो मेरी इमेज है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में कि वेरी मैचो एंड एंग्री यंग मैन काइंड ऑफ, तो ये अलग तरह का एंग्री यंग मैन है जो एसीपी है प्रदीप राजे। वेरी फोकस्ड, वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रिक्ट और बहुत ही अपने टीम के साथ दोस्तों ऐसा बर्ताव करने वाला, उनके साथ घुल मिल कर रहने वाला ये एसीपी प्रदीप राजे है, जो हम अपने टीम को साथ लेकर चलता है और प्लान को कैसे फॉलो करना उनको बताते रहता है और उसके प्लान को ये पूरी टीम फॉलो करती है। तो बस ये कैरेक्टर जब मुझे विशाल हमारे दिग्दर्शक हैं उन्होंने बताया कि ये कैरेक्टर, तो मुझे पहले तो आज तक काफ़ी लोगों ने मुझे अलग किरदारों में देखा है, तो ऑब्वियसली कोई कोई डाउट तो नहीं था मुझे कि ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा शक था कि शायद इस कैरेक्टर को लेके या इस किरदार को लेके लोग मुझे किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अभी ये ट्रेलर देखने के बाद तो मुझे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका है कि शायद लोग पसंद करेंगे इस कैरेक्टर को भी। और जिस तरह से हमने कोशिश की है इस हिडन वेब सीरीज़ को प्रेजेंट करने की, तो मुझे पूरा भरोसा है कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। और काफ़ी तरह के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आप सभी जानते हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, Z5 है, MX Player है, सोनी लीव है, उसी तरह से एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है पिंग पोंग। तो ये कोशिश है हमारे जो पिंग पोंग के कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा यादव साहब, उन्होंने उनकी पूरी टीम ने ये कोशिश की है कि पिंग पोंग किस तरह से अच्छी तरीके से आप तक हम पहुँचा पाए, आप उसको किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। तो वी आर ट्राइंग टू डू आवर लेवल बेस्ट। सो बाकी गणपति बप्पा मोरिया। एक्चुअली एज एन एक्टर ज़्यादा बड़ा चैलेंज इससे नहीं लगा, क्योंकि टीम बहुत काबिल थी, डायरेक्टर से लेके प्रोडक्शन टीम से लेके और इवन जो सारी कास्टिंग हुई थी सभी एक्सपीरियंस्ड सारे आर्टिस्ट थे, संतोष भाई, संदीप भाई। तो एक तो टीम वर्क बहुत अच्छा था और सबको फ्रीडम थी अपने अपने किरदार को समझ के अपने तरीके से करने की। डायरेक्टर ने अच्छी फ्रीडम दे रखी विशाल भाई ने सबको, और सबका एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बहुत अच्छा था। जैसे ये हमारे सीनियर हैं तो ऐसा नहीं था कि मतलब एक ही इंसान सिर्फ कर रहा है और कमांड कर रहा है, सबको फ्रीडम दिया गया अपने अपने लेवल पे चीज़ें करने के लिए। सो मज़ा आया। थोड़ा चैलेंजिंग ये था कि इतने कम टाइम में सारा शेड्यूल कंप्लीट करना था, आउटडोर भी था इनडोर भी था, अगर गलती से भी कुछ चीज़ें इधर उधर होती तो काफ़ी चीज़ें बदल सकती थी। तो लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब चीज़ें टाइम पे बड़े परफेक्टली अच्छी हो गई, और ट्रेलर देखने के बाद एक्चुअली में लग रहा है कि यार जो किया था वो परफेक्टली बना है। सो उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा और सीज़न 2 की भी तैयारी है वैसे तो। बिल्कुल, आपने जैसे सवाल पूछा कि ये कोविड के टाइम शूटिंग करना कितना मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल था, बहुत रिस्क भी थी, लेकिन उसका दूसरा जो साइड है वो है ये साइड है कि कोविड के टाइम हम सब घर के अंदर थे तो कुछ काम करने के लिए मिल रहा है, जो कहाँ पे परफॉर्म करना है तो ये परफॉर्मेंस का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये बहुत आनंददायी था मेरे लिए कि चलो कुछ ना कुछ तो काम शुरू हो रहा है।
तो वो रिस्क था, लेकिन ये जो हिडन वेब सीरीज़ है, जब विशाल सर ने मुझे सुनाई थी तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सर दो दिन का ही काम है, लेकिन मैं ऑलवेज मराठी में भी और जहाँ भी काम करता हूँ मैं लेंथ नहीं देखता, मैं कैरेक्टर की डेप्थ देखता हूँ। तो उसी प्रकार की डेप्थ जो है ये टिपर कैरेक्टर में है, जो रियल में भी पुलिस के बहुत सारे टिपर्स रहते हैं जिनकी वजह से पुलिस उस मकाम तक पहुँचते हैं, उसको अगर कोई क्रिमिनल है उस तक पहुंचने के लिए जो ब्रिज है, वो जो टिपर का जो ब्रिज है वो हर 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 पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हैं। तो उसी प्रकार का एक टिपर जो स्लम एरिया में रहता है और इम्पोर्टेंट टिप्स राजे को देता है, तो वो किरदार, छोटा किरदार मैं निभा रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये सब बहुत थिएटर से है, सब संतोष है मेरा दोस्त, सब थिएटर से, और विशाल भी बहुत अच्छा डायरेक्टर है, तो उसके साथ और पिंग पोंग के साथ मैं इस वेब सीरीज़ से जुड़ गया हूँ, तो इसका मुझे बहुत प्राउड है और बहुत आनंद है। थैंक यू। कौन बताए पहले, कौन बताए? ठीक सी बता दूँगी। हाँ, मैं जीत सिंह, मैं इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ प्रभाकर वेलापुटी, जो कि एक साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन मुंबई में ही पला बड़ा है, और ऑफिशियल वर्क उसका ज़्यादा है, रिपोर्ट्स वगैरह को एनालाइज करना, फील्ड वर्क उसका कम है। बाकी जो मेरे कलीग्स हैं इस वेब सीरीज़ में, उनका फील्ड वर्क ज़्यादा है, उनका एक्शन बहुत अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये ऑडियंस के लिए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर जो हैं बहुत अच्छे राइटर भी हैं, और जो डायलॉग्स इसमें लिखे गए हैं, कौशल ने इसमें जो हमारे डायलॉग राइटर हैं बहुत अच्छे डायलॉग लिखे हैं, बड़े ब्यूटीफुली आर्टिकुलेट करके लिखे गए हैं, कि जो कि सुनने में मज़ा भी आएगा। एक्सक्यूज़ मी, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स डायलॉग्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, दोनों का ब्लेंड है जो कि आपको एंटरटेन करता है, लगता है कि वाह क्या ब्यूटीफुली चीज़ कही गई है। तो आप उम्मीद करते हैं कि सबको बहुत सारी चीज़ें इसमें पसंद आएंगी, और टीम में से बहुत सारे लोग इसमें से ऊपर उठेंगे, ये ऐसी एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए हो सकती है जिसका इंतज़ार रहता है इस इंडस्ट्री में, एक्टर्स को, राइटर्स को, डायरेक्टर को। तो उम्मीद करता हूँ कि हम आप सबको बहुत अच्छे से एंटरटेन कर पाएंगे। थैंक यू जीत। हिडन विशाल की है, और हिडन विशाल की सीरीज़ है, हमारे डायरेक्टर साहब विशाल सावंत, मतलब उनकी मैं कितनी तारीफ़ करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो सबसे पहली बात, मतलब ये हिडन वेब सीरीज़ इतना सडन प्लान हुआ और इतना क्विकली शूट हुआ, आई थिंक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई वेब सीरीज़ का कंप्लीट सीज़न 14 दिन में, बिगनिंग टू एंड, मतलब कंप्लीट शूट 14 दिन के अंदर पूरा सीज़न हो गया, और मैं इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ क्राइम ब्रांच ऑफिसर संदीप रायकर का। संदीप रायकर बेसिकली एक मराठी बैकड्रॉप का बंदा है जो मुंबई में पला बड़ा है, और विशाल सावंत का संदीप रायकर डेयरिंग है, फियरलेस है, एक्शन के साथ बहुत फ्रेंडली है, और डेयरिंग तो ऑफकोर्स है ही है। तो विशाल सावंत के कैरेक्टर को समझने में और मुझे पोर्ट्रे करने में जो कॉपरेशन दिखाया डायरेक्टर साहब ने हमारे, दैट वाज लाइक अमेजिंग। और ये वेब सीरीज़ करने में मुझे बहुत मज़ा आया, इवन द वे होल टीम वर्क्ड, जीत सिंह, दक्ष अजीत सिंह, संतोष जुवेकर भाई, रोहित का मुझे बड़ी देर से पता चला कि रोहित भी इस वेब सीरीज़ में कैरेक्टर कर रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर का। तो मेरे लिए बहुत ऑल इन ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। थैंक यू। आप बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा किरदार के बारे में? जी ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रोहित परशुराम, और मैं इस हिडन वेब सीरीज़ में इंस्पेक्टर गजरे, जो एक मराठी बैकग्राउंड का किरदार प्ले कर रहा हूँ। जब सबसे पहले मैं विशाल सर से मिलने गया था, तो उन्होंने मेरा लहजा, जो मराठी का ही आता है, आई एम बेसिकली फ्रॉम भोर पुणे, तो मैं एक मराठी बंदा हूँ, मैं मराठी मुलगा है, तर माझा भाषेचा टोन वो देख के उन्होंने कहा कि तुम एक गजरे कैरेक्टर अच्छा प्ले कर सकते हो।
लेकिन गजरे पढ़ने के बाद, वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि यार ये मेरी लैंग्वेज से सिर्फ सिमिलैरिटी रखता है, ये एक्चुअल मेरे कैरेक्टर से भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रखता है, ऐसे मुझे लगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ी। अगर मैं गजरे के बारे में बताऊँ तो अगर वो पुलिस इंस्पेक्टर है, PI है, तो ऑब्वियसली उसे ज्वाइन किए हुए 8-10 साल तो हुए होंगे। तो मैंने ये सोचा कि यार पुलिस इंस्पेक्टर एक लीन नहीं हो सकता है। तो आई गेंड 8 kg वेट विद इन 70 to 18 days। बहुत कुछ खाया, बहुत सारे कैलरीज लिए, थोड़े चबी गाल बनाए। तो वो एक इंस्पेक्टर लगना चाहिए कि यार ये खाता पीता एक इंस्पेक्टर है। ये एक था। और विशाल सर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ये दी थी कि पूरा सीरीज एक सीरियस जोन में जा रहा है, तो यू आर द फ्लेवर इन दैट सीरीज। एक अलग राहत दे के जाओगे अगर लोग तुम्हें देखेंगे उस सीन में, उस किरदार में। तो जितना ऐड कर सकते हो उतना करो, मैं तुम्हें फुल ऑफ लिबर्टी देता हूँ। ये जो एक विश्वास था लिबर्टी का, वो विश्वास के वजह से इंस्पेक्टर गजर का कैरेक्टर मैं बिल्ड कर पाया हूँ। ऐसे विशाल सर के मतलब एक ओपिनियन है मेरे बारे में। तो थैंक्स अ लॉट विशाल सर टू गिविंग मी सच एन फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एड, विशाल सावंत जो राइटर डायरेक्टर है इसके वेब सीरीज़ के, उनका सबसे स्पेशल पॉइंट मुझे ये लगा कि वो बहुत कूल और काम है। कूल और काम शायद वही बंदा होता है जिसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। इवन अपार्ट ऑफ द स्टोरी, द डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले एंड शूटिंग, विशाल ने इतना सबको ओपन स्पेस दिया है कि अगर आप किसी सिचुएशन में हो और वो शूटिंग कर रहे हैं और मैंने कट नहीं बोला, क्योंकि एक्शन और कट के बीच में हमेशा शूट होता है, कि बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे भी थे जो कट होने के बाद भी हम लोगों ने परफॉर्म किए। उसमें हम सीन में इतने मतलब इन्वॉल्व थे कि वो सीन में, और उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है कमल सिंह को, हमारे DOP को। ही इज़ अ मैन यार, मतलब आज तक मैं 4-5 फिल्में कर चुका हूँ, रांझणा मराठी फिल्म, एक अलबेला विद्या बालन जी के साथ, मालोड दिल्ली, माँ साहब रिसेंटली रिलीज्ड, बट द वे विशाल भाई एंड कमल जी शॉट दिस वेब सीरीज, दैट इज़ लाइक एन इनक्रेडिबल। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। तो बताइए सर, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जैसे बताया जा रहा है कि 14 दिन में शूट हुई है, आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग था? एक्चुअली एज अ पिंग पोंग चैनल है, विशाल जी आए थे नरेशन करने के लिए, तो हम लोग अपने, जैसे मैंने आपको कहा कि जिनमें क्रिएटिविटी है, जो दिखता है मतलब, तो उन्होंने मुझे नरेशन स्टार्ट किया, और हम लोग कंटेंट अच्छा देने का कोशिश कर रहे हैं और अच्छा ही कंटेंट बना रहे हैं। उसे हर एक कंटेंट को स्टोरी बोर्ड के साथ पूरा कास्टिंग क्या होना चाहिए, थिएटर आर्टिस्ट होने चाहिए, जो अच्छा अच्छा आर्टिस्ट है उनको अच्छा चांस मिलना चाहिए, तो वो देखकर इस पर वर्कआउट कर रहे थे हिडन पे। और जिस दिन उसका फुल नरेशन किया, तो जिस हिसाब से विशाल जी नरेशन कर रहे थे, तो उनके आँखों में दिख रहा था वो। और जब कोई अपने को नरेशन करता है तो वो विजुअल होना बहुत ज़रूरी है, तो जैसे वो मुझे नरेशन दे रहे थे तो वो पूरा विजुअल हो रहा था। तो फिर शूट हुआ पूरा, सब संतोष जी सभी आर्टिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा, जैसा रोहित है, बहुत अच्छा काम किया है। और पूरा सीरीज़ देखने के बाद जो मैंने विजुअल किया था उससे 10 गुना अच्छा सीरीज़ बन गया है। तो अच्छा वर्कआउट करके सब आगे की प्रोजेक्ट, हम लोग अच्छा वर्कआउट करके कंटेंट्स पे काम कर रहे हैं, बस आप लोगों का साथ चाहिए बस। मेरे कैरेक्टर के बारे में कहना चाहूँगी, ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं कर सकते क्योंकि वो सीरीज़ देखने में वो मज़ा नहीं रहेगा, बट शी इज़ वेरी सिंपल हैप्पी गो लक्की गर्ल जो कॉलेज गोइंग है, और कुछ सीन में आपको वो दिखेगी कि वो बहुत सिंपल गर्ल है, अपने दोस्तों के साथ हंस के बात करती है, ऐसे सिंपल काइंड ऑफ गर्ल है, लेकिन कुछ सीन में आपको दिखेगा कि मिस्टीरियस थोड़ा सा कैरेक्टर है जो सेकंड सीजन में वो रिवील होगा। सो मेरे कैरेक्टर के बारे में अभी मैं इतना ही बता सकती हूँ। मेरा नाम संजय सोनू है और मैं इसमें मुकुट शर्मा एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा पूरी टीम के साथ, डायरेक्टर विशाल के साथ। पिंग पोंग चैनल अपने तरीके से अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर रही है। अपने कैरेक्टर के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि अभी कुछ नहीं बताना चाहूँगा,
रहस्य है, रोमांच है, हिडन है, ये हिडन है और हिडन ही रहना चाहिए। जब आप देखेंगे पूरा सीरीज तो आपको पता चलेगा मुकुट शर्मा कौन है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।